तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है बीकाराम और आप देख रहे हैं बीआरबी फोटो वीडियो। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इस वीडियो में यूज़ किए गए इफेक्ट आपको चाहिए तो हमारे ग्रुप की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे काइन मास्टर पर और यहां से साइज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक किया और हमें यहां से ये एक बैकग्राउंड, एक अच्छा सा बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, स्किप कर देंगे तो। हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहते हैं तो आप जो यहाँ से एक बैकग्राउंड है उसे सेलेक्ट कर लेते हो। हम ये बैकग्राउंड है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में इसको वीडियो के हिसाब से है जो आप खींच कर रख दीजिएगा। बाद में क्रॉप पर क्लिक कीजिए और जो इसको बराबर एग्जैक्ट आप कर दीजिएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, लिरिक्स पर क्लिक करना है और जो भी इफेक्ट आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो यहाँ से हमें एक ताजमहल की PNG चाहिए होगी, जो ताजमहल की PNG है वो आपको अगर चाहिए तो हमें हमारे ग्रुप की लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, वो हमें आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कीजिए। और वीडियो लिंक के साथ हमें शेयर कीजिए, वरना आप कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वीडियो की इफ़ेक्ट है जो आप मांग रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से है जो आप बैकग्राउंड को बराबर एग्जैक्ट कर दीजिएगा ताजमहल को। अब हमें चाहिए एक CD की PNG, ठीक है। तो वो है जो हम उसे ले लेते हैं, तो ये CD की PNG इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से और क्रॉप पर क्लिक कीजिए। क्रॉपिंग पर क्लिक करके आप है जो इसको बराबर हिसाब से सेट कर दीजिएगा, यहाँ पर 4 कोना की करके आप यहाँ पर है जो सेट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से सेट करने के बाद में ये हो गया। अब हमें यहाँ पर बराबर एग्जैक्ट कर देना है इसको ठीक तरीके से और इसको है जो लिरिक्स कर देना है। और बाद में हमें चाहिए जाली की PNG, ठीक है। तो जाली की PNG है वो उसको हम ले लेते हैं। यहाँ पर मीडिया लिरिक्स पर क्लिक कीजिए, लेयर पर क्लिक कीजिए। लेयर पर क्लिक करने के बाद में आप मीडिया पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सॉरी, एक इफ़ेक्ट देना है जो फ़ोटो के अंदर पानी है, इसमें ये इस तरीके का इफ़ेक्ट देना है। अगर आपके पास डाउनलोड किया हुआ नहीं है तो पहले डाउनलोड कर लीजिएगा स्टोर में जाकर, काइन मास्टर स्टोर में बिल्कुल फ्री है, मिल जाएगा। अगर आपको पास ये काइन मास्टर नहीं है और पैसे मांग रहे हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, फुल ट्यूटोरियल वीडियो काइन मास्टर के बारे में तो हमने बनाया है और उसकी लिंक है जो आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसको आप इस तरीके से जो कट करके यहाँ पर पानी के ऊपर एक तरीके से सेट कर दीजिए और सेंड टू बैक कर दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको है जो सेटिंग पर क्लिक कीजिए और थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। स्पीड और मॉडल दोनों बढ़ा दीजिएगा, तो स्पीड हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि पानी है जो चलता रहे, और सेंड टू बैक कर दें 3 डॉट पर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर है जो तो आप देख सकते हैं पानी है जो चल रहा है। अब हम लिरिक्स पर क्लिक करते हैं और मीडिया पर क्लिक करके जाली की PNG है उसे हम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जाली की PNG ले लेते हैं और इसको वीडियो के हिसाब से है जो खींच कर आप लेयर कर दीजिए, ठीक है। लेयर करने के बाद में इसकी एक डुप्लीकेसी कॉपी भी हमें बना लेनी है, तो हम डुप्लीकेसी इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और डुप्लीकेसी कॉपी तैयार। डुप्लीकेसी कॉपी बनाने के बाद में इस तरीके से जो यहाँ पर सेट कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो उसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वाइट कलर के पिलर है उसको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये पिलर हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देते हैं जाली के पास में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है पर इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा और आप अपनी वीडियो भी है जो बना सकते हैं, ठीक है। इसकी हम डुप्लीकेसी कॉपी करके दोनों साइड में इस तरीके से लगा देंगे।
यहाँ पर सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद में जूम आउट करके बराबर एग्जिट कर दीजिएगा। आई होप कि आप मेरे से भी अच्छा बनाएंगे, बट मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि हर वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और आप लोगों को सिखा सकूँ। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद में आपको दोबारा लिरिक्स पर क्लिक करना है और एक और फोटो है उसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम मीडिया पर लिरिक्स पर क्लिक किया और मीडिया पर क्लिक करके मेन पॉइंट है वो है फ़ोटो। ठीक है, तो हम ये फ़ोटो है जो तैयार किया हुआ है, आप ऐसा तैयार कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फुल ट्यूटोरियल वीडियो है जो पिक्सआर्ट से PNG फ़ोटो कैसे बनाते हैं उसका वीडियो आप लोगों को बनाकर दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसको इस तरीके से सेट कर दीजिएगा। इस तरीके से सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, फ़ोटो को जिस वीडियो के हिसाब से खींच कर आपको लंबा कर देना है, लेयर कर देना है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, साबी पर क्लिक करना है। साबी पर क्लिक करके थोड़ा सा खिसकाना है और प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसको ऊपर तक ले जाना है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ले जाने के बाद में यहाँ पर दोबारा प्लस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको अब सेंड टू बैक आपको कर देना है। ठीक है, तो थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं और एक और फ़ोटो हम है जो इसको सेट कर देते हैं, ये दूसरी साइड में लगाने के लिए। सेंड टू बैक कर दिया उस फोटो को और इसको भी सेंड टू बैक हम कर देते हैं। ठीक है, पहले फ्रंट कर देते हैं और इसको सेट करने के बाद में सेंड टू बैक कर देंगे और इसको साइज़ के हिसाब से है जो एडजस्ट कर लीजिएगा आप। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद में साबी का आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सेम प्रोसेस आपको करना है और है जो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर ले जाइए। उस फ़ोटो के जो पहले लगाया है उस फ़ोटो के बराबर साइज़ में होना चाहिए, वरना आपका वीडियो बनने में मज़ा नहीं आएगा। और यहाँ पर इस तरीके से जो सेट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसको सेंड टू बैक कर दीजिएगा। सेंड टू बैक नहीं करेंगे, खाली को फ्रंट कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद में और इफ़ेक्ट दे देते हैं। तो हमें एक रोशनी जो लाइट का तारे जैसी है उसको घुमाने के लिए सही है, तो उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, वो डाउनलोड कर रखी है। हाँ, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दो ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप एक ग्रुप फुल हो तो दूसरे ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमें वीडियो के लिंक के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें समझ में आ सके कि आप कौन से वीडियो का इफ़ेक्ट मांग रहे हैं। हम बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पर है जो कलर पर जाइए और कलर इसका सेलेक्ट कर लीजिए। वाइट में हैं तो इसका हम है जो ग्रीन कलर ले लें और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये एकदम फोटो, और इसको लेयर कर दीजिएगा वीडियो के हिसाब से। ठीक है, और इसकी डुप्लीकेसी कॉपी भी हमें बनानी है, बट इसकी डुप्लीकेसी कॉपी बनाकर तैयार कर देते हैं। और इसको साबी के आइकन पर क्लिक कीजिए और फ़ोटो के साथ साथ इसको है जो प्लस करवाइए, तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके फ़ोटो के साथ साथ है जो हमने सेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ हम आपको ट्यूटोरियल वीडियो बनाकर इसलिए बता रहे हैं कि आप भी अपनी आसानी से है जो वीडियो बना सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ये बना मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हर रोज़ नए नए वीडियो लाते रहते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी हम बहुत अच्छे अच्छे पिक्सल डालते रहते हैं। आने वाले वीडियो की न्यूज़ है वो भी हमें इंस्टाग्राम पर अपडेट करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर हमें फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप कर लीजिएगा फॉलो। तो हमने कलर सेलेक्ट कर लिया दोनों का और इसको हम है जो यहाँ पर फ़ोटो के साथ साथ में है इसको रनिंग करवा देंगे। तो साबिक आइकन पर क्लिक कीजिएगा और प्लस पर क्लिक कीजिएगा और इसको है जो फ़ोटो के हिसाब से सेट कर दीजिएगा। ठीक है, फ़ोटो के हिसाब से सेट करने के बाद में इसको हम क्या करते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोटो के पीछे चली गई इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर और लैमिनेशन पर जाना है। और लैमिनेशन पर जाने के बाद में स्वाइप अप CCW पर क्लिक कर देना है दोनों को, और लैमिनेशन पर क्लिक करके इस तरीके से है जो हम कर देंगे सेट।
ठीक है। और अब हमें और इफेक्ट देने हैं इसमें, तो हम दे देते हैं। तो अब हमें जो पिलर हमने सेट किया इसके ऊपर हमें लाइट सेट करनी है, ठीक है। ये गोल वाली लाइट, अगर आपके डीजे लाइट डाउनलोड करना नहीं आता तो हमने फुल ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है इसके बारे में भी, तो आप जाइए और ज़रूर देखिएगा। हम आपको उस वीडियो का लिंक है वो आई बटन में ऊपर दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सब वीडियो का लिंक है जो आपको काइन मास्टर का, डीजे लाइटिंग का और फ़ोटो फ्रेम का, थंबनेल का, सब वीडियो के हमारे चैनल पर सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो जाइए और ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी वीडियो बनकर तैयार हो गई है, अब हमें थोड़ा सा और इफ़ेक्ट इसमें देना है। तो अब क्या करना है, इसी सेम फ़ोटो की आपको, आप अलग फ़ोटो रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बट मैं आपको बताने के लिए इसी सेम फ़ोटो की है जो एक कॉपी है यहाँ पर, इस फ़ोटो के ऊपर सेट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इस फ़ोटो का जो नीचे ले जाना है वो कैसे ले जाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा वरना आपको नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर है साबी का आइकन पर क्लिक करना और इस फ़ोटो को खींच कर यहाँ पर जाली के बाहर सेट कर देना है नीचे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और एक और फ़ोटो हम हैं जो दूसरे फ़ोटो पर सेट कर देंगे, तो मैं एक और फ़ोटो है जो यहाँ पर ले लेता हूँ, डुप्लीकेसी भी कॉपी भी कर सकते हैं, पर डुप्लीकेसी कॉपी में आपको इतना ठीक से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये वापस यहाँ पर आ जाएगी, तो डुप्लीकेसी कॉपी नहीं करते हैं, हम नया फ़ोटो है उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। डुप्लीकेसी कॉपी सिर्फ टाई के लिए बनाया था कि भाई ऐसा होता है तो फिर ज़्यादा मेहनत दोबारा गैलरी में जाना नहीं पड़े, इसलिए, ठीक है। इस हिसाब से आप है जो बराबर सेट कर दीजिएगा यहाँ पर और दोबारा सेम प्रोसेस कीजिएगा, साबिक आइकन पर क्लिक करना है और प्लस आइकन पर क्लिक करके फ़ोटो को है जो यहाँ पर आपको रैंडमली करवा देना है, ठीक है। और यहाँ पर ले जाइएगा बराबर, दोनों फ़ोटो को एक ही साइड में एक ही साइज़ में रखिएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और अब हमें है जो हमारी वीडियो बनकर रेडी हो गई है, तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। उससे पहले हम एक सॉन्ग है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें कुछ इफ़ेक्ट और देने हैं तो हम दे देंगे, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा, अब हमें इसमें थोड़ा सा इफ़ेक्ट देना है, वो क्या देना है, हमें एक बैकग्राउंड लेना है, ये पंसी वाला करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, जो ग्रीन बैकग्राउंड है फ्लावर का वो हमें लेना है, तो हम वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो फ्रेम है आपको ले लीजिएगा, ऐसा बैकग्राउंड लेने के बाद में आपको इस पर क्रॉप पर क्लिक करना है और क्रॉप पर क्लिक करके है जो आप इसको सेट कर दीजिएगा यहाँ पर और बड़ा कर दीजिएगा वीडियो के हिसाब से, ठीक है। और इसको सेंड टू बैक कर दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा खिसका कर पानी भी दिखना चाहिए और बैकग्राउंड भी दिखना सही है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप है जो अपने वेडिंग वीडियो या पार्टी का वीडियो बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके बताऊंगा कि किस तरीके से है जो हमारा वीडियो बनाएं। अब हमें क्या करना है, ऑडियो सेलेक्ट करना है, म्यूजिक तो वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं और सॉन्ग है उसे सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें देना है। अगर आपको पास लो कोई अच्छा सा सॉन्ग है तो आप दे दीजिएगा, मुझे मेरे पास जो भी अवेलेबल है वो मैं दे देता हूँ। तो ये सॉन्ग है वो मैं सेलेक्ट कर लिया और मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आप अपने लिए भी बना सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा,
क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी शॉट में दिए हैं इफ़ेक्ट, उसको हमें जो इसको पूरा लेयर कर देते हैं वीडियो के हिसाब से। आप अगर एक ही इफ़ेक्ट पर बना रहे हैं तो सारे को लेयर कर दीजिएगा, और अलग अलग इफ़ेक्ट पर बना रहे हैं तो उस हिसाब से लेयर कीजिएगा आपके हिसाब से। ठीक है, अब हम यह जो प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।